हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ BIS टेक्निकल असिस्टेंट की, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स टेक्निकल असिस्टेंट। कंप्लीट डिटेल्स मैं बताऊँगा क्योंकि बहुत बच्चों ने मेरे को कमेंट किया था कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न, चाहे कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्या प्रमोशन रहता है, क्या पोस्टिंग है, क्या सैलरी है, तो इस वीडियो में सब चीज़ कवर करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना और क्या इसका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है, एवरीथिंग ओके, यू विल कम टू नो। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और साथ ही जो नए बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करूं BIS टेक्निकल असिस्टेंट की, जैसा कि आपको पता है अभी वैकेंसी आया है, मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रांच, जो जिन्होंने केमिस्ट्री कर रखा है BSc के थ्रू एंड माइक्रोबायोलॉजी। सो मैं सबसे पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ, जैसा कि मैंने थोड़ा सा पहले भी ब्रीफ किया था कि सबसे पहले तो 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे एंड 120 मिनट आपको मिलेगा, मतलब 2 घंटे में 150 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के रहने वाले हैं एंड 50 क्वेश्चन जो आपका डोमेन है, जैसे कि मैकेनिकल वालों का मैकेनिकल से आएगा एंड जो केमिकल ब्रांच के उनका केमिस्ट्री के थ्रू, जितने भी जो आपके डोमेन से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। बट ये जो 100 क्वेश्चन हैं ये सेम रहने वाले हैं। तो बात करते हैं इस पर हम, जैसा कि मैंने बताया था रीजनिंग, ठीक है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा ओके, और ये पूरा का पूरा बैंकिंग पैटर्न पे रहेगा, ठीक है दोस्त। उसके बाद मैं बात करूं तो आपका जो 25 क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस पे ओके एंड 25 क्वेश्चन जो है वो आपका इंग्लिश, और बाकी के जो 50 क्वेश्चन बचे आपके वो आपका हो जाएगा टेक्निकल से, ठीक है। और मैं अगर मैं बात करूं पूरी तरीके से कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और कितना टाइम मिलेगा पर सेक्शंस, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि रीजनिंग है, जैसे ये आपका एक सेक्शन खुलेगा फर्स्ट, ठीक है, इसके लिए आपको ओनली 40 मिनट्स मिलेगा, ठीक है, ये चाहे आप 30 मिनट में कर दो चाहे 20 मिनट में कर दो, बट जब तक ये 40 मिनट्स कम्प्लीट नहीं होगा तब तक वो नेक्स्ट सेक्शन नहीं आएगा। और मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हर एक में 5 ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शन नहीं रहता है इसमें, 5 ऑप्शन रहता है, और नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 का ओके। अब मैं बात करूँ, देखो जो मेन जो इसमें टॉपिक है, देखो पजल से पूछा ही जाएगा, ठीक है, देन सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद आपका आता है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का पता होगा, दिस टाइप को सिंबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन सिलॉगिज्म और ब्लड रिलेशन से आएगा क्वेश्चन, एंड जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज हो, बाकी कुछ क्वेश्चन सीरीज वगैरह से आएंगे, बट जो मेन रहेगा आपके ये 2-3-4 सेक्शंस रहेंगे। पजल से देखो 2 या 3 पजल पूछ सकता है, फ्लोर बेस्ड होता है, बॉक्स बेस्ड होता है, कई टाइप्स के होते हैं, तो इस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, या तो कोई सा भी, अब जैसे कोई नया बंदा है, इन सब प्रिपरेशन नहीं है ये बैंकिंग पैटर्न पर, तो एक बार यूट्यूब पर डाल दो कि बैंकिंग पैटर्न पर पजल्स के क्वेश्चन चाहे सिटिंग के, वहाँ से आप जाके उसको एक बार देख लीजिए, देन अब जो टेस्ट बुक का आपका मॉक टेस्ट होता है उसके थ्रू प्रैक्टिस कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। और बात करूं क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा थिंग है वो टाइम है, 40 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, और मतलब टफ पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। फिर इसमें भी जैसे कि आपने, ये एक क्वेश्चन होगा पजल का जिसमें 5 क्वेश्चंस उसके थ्रू पूछे जाएंगे, फिर ऐसे ही दूसरा पजल होगा, कम से कम पजल से ही आपके 15 से 20 नंबर का कवर हो जाएगा, ऐसे सीरीज जो सिटिंग अरेंजमेंट है इससे 10 नंबर हो गया, 15 यहाँ से हो गया, या दोनों को मिला के 25 तो यही कवर कर जाएंगे, देन इक्वालिटी के 5-30 नंबर आपके ये कंप्लीट कर जाएगा, देन से लॉग्स तो 35-40 नंबर तो आपके यही चारों सेक्शन कवर कर जाएगा, आधा से ज़्यादा, देन आपका ब्लड रिलेशन वो आप करते हैं वो आप कर लेंगे उधर भी, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह एंड अल्फा न्यूमेरिकल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बात करूँ मैं जनरल अवेयरनेस का, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस से, जिसमें आपका करंट से होगा, ठीक है, करंट से क्वेश्चन आते हैं इसमें, देन स्टैटिक जीके। अब देखो ये 25 क्वेश्चन जो है ना, इसका आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है चैनल पे, चाहे वो स्टैटिक जीके का हो, 21 वीडियोज़ इसके अंदर आ गए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखना, एंड करंट में ऑलरेडी मैंने 6 महीने का करवा रखा है, एंड अभी जो है मैं लास्ट ईयर का, ठीक है, पूरा जितना भी है 23 से लेकर 24 तक, वो मैं
जितने भी मेन मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आने ही आने हैं वो मैं लेके आऊँगा, और आपको 2-3 वीडियो में वो कंप्लीट मिल जाएगा। तो उसको आप जैसे एंड में जा रहे हैं आप उसको सिर्फ देखिए, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं है। दिक्कत यही है कि हम जो अपना कंटेंट को क्या करते हैं, बहुत डाइवर्सिफाई कर देते हैं, जिसके वजह से वो लास्ट के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होता है उसको रिवाइज़ करने में। पढ़ो उतना ही जितना आप रिवाइज़ कर सको, ठीक है। तो मैंने उसमें कंटेंट जो है एकदम प्योरीफाइड करके डाला है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं उसमें जो भी मैं अपलोड करूँगा उसको आपको देखना है 2-3 बार, उसी को रिवाइज़ करना है बार बार, ओके। और स्टैटिक जीके का मैंने ऑलरेडी 21 वीडियोस डाल चुके हैं, और भी 1-2 टॉपिक होंगे वो मैं डाल दूंगा, और बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो इसका टेंशन आपका ख़त्म, ठीक है। बाकी ये भी मैंने बता दिया, इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश की बात करूँ तो देखो, इंग्लिश में आपके वही फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे ग्रामर के ऊपर, रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन के 5 क्वेश्चन पक्का आने हैं वो, ठीक है, पैसेज वगैरह जो होता है। देन जम्बल्ड वर्ड आते हैं, जम्बल सेंटेंस जो 4-5 वर्ड होंगे, फ्रेजेस होंगे, देन उसको हमें अरेंज करना होता है। देन एरर के आते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और OWS जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह है वो, ओके। तो इन्हीं सब पे आने हैं, तो ये भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा, बस वही है कि टाइम का आपको ख्याल रखना है, पैसेज को बाद में करना है, बाकी इन सब को जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि टाइम सच में ऐसा लगेगा ना कि फटाफट जा रहा है और आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे पूरा। चलते हैं, अब मैं बात करता हूँ मेन सेक्शन जो आपका टेक्निकल सेक्शन है। देखो, ये मैं मैकेनिकल वालों के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ही आप जो केमिकल ब्रांच के हैं वो आप रिलेट कर सकते हैं, जो आपके अदर एग्जामों में आते हैं ना क्वेश्चन उसी के थ्रू आएंगे। 50 क्वेश्चंस रहेगा, 50 क्वेश्चंस में देखो प्रोडक्शन, ठीक है, डिजाइन, थर्मल, फ्लूड। डिजाइन में आपका जैसे सोम आ गया, टोम आ गया, ठीक है, मैकेनिक्स आ गया, ये सब डिजाइन पोर्शन। फिर थर्मल में आपका पावर प्लांट, उसके बाद IC इंजन, देन RAC, ठीक है, ये सब थर्मल के अंदर। फ्लूड में आपको हाइड्रोलिक्स वगैरह आ गया, हाइड्रोलिक्स मशीनरी, टर्बो मशीनरीज, ये सब फ्लूड, और फ्लूड मैकेनिक्स अलग से, ठीक है, इन सब से आने हैं। प्रोडक्शन में जैसे आपका कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, फॉर्मिंग हो गया, मशीनिंग हो गया, ये सब से आएगी। अब बाकी जो ये सब तो हम रेगुलर पढ़ते ही हैं, बट जो अलग से आ सकता है वो इंडस्ट्रियल से आएगा, कुछ ही आएंगे, जैसे हाईलाइटेड ही बता देता हूँ मैं, जैसे पार्ट से आ गया, ठीक है, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, और उसके बाद आपका CPM हो गया, क्रिटिकल पाथ मेथड, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, जो F/P में S-V, इससे आया भी था क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है इससे आ जाएगा, तो ये सब आपको पढ़ लेना है थोड़ा थोड़ा। और हीट ट्रांसफ़र से मेनली आपके कंडक्शन, ठीक है, रेडिएशन, इन दोनों से आएंगे, कन्वेक्शन से वही पूछ, थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह पूछ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। देन आपका जो शेप फैक्टर होता है F1, F12, A1 ऐसे करके जो आते हैं उस पर आएगा, और पिछली बार भी आया था। अब देखो, अब जब आपका ये Tier 1 हो गया, Tier 1 होने के बाद अब आई थिंक 1 या 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है, उसमें नंबर के साथ आ जाएगा कि कितने नंबर आए हैं, और लिस्ट बन जाएगा, आई थिंक 5 to 7 टाइम्स बुलाते हैं ये। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, तो स्किल टेस्ट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि आपको जैसे टोटल UR के लिए 7 सीट्स है, तो ट्राई करना कि आपका 7 के अंदर में ही आपका रैंक आ जाना चाहिए, क्योंकि स्किल टेस्ट में मोस्ट ऑफ द बंदे क्वालिफाई हो जाते हैं, और पिछली बार सब के सब हुए थे, क्योंकि कोई ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर चलाना आना चाहिए, ठीक है, वो मेजर करने को देंगे, जैसे टैप वगैरह होता है, ठीक है, इस तरीके का, इसका डायमेंशंस वगैरह मेजर करने को दिया था। उसके बाद मेट्रोलॉजी हो गया, चाहे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया, ये आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे उधर। उसके बाद एक जो साइंटिस्ट वगैरह जो बैठा होगा वो आपसे ओरली क्वेश्चन करेगा, तो वो ज़्यादा डिपेंड करता है, वो जो ओरल क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आएंगे वो मेट्रोलॉजी से ही आए जाएंगे, और वो आपकी हेल्प भी कर देंगे। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा फंडा नहीं है, जो भी है वो मेरिट बेस्ड का ही है, ठीक है। अब आपका ये हो गया, मान लो आपका इधर इसमें सिलेक्शन हो गया, ठीक है, सिलेक्शन के बाद आपका आता है वर्क प्रोफाइल जानने की इच्छा होती है। मैं अगर मैं वर्क प्रोफाइल की बात करूं, ठीक है, तो देखो सैंपल्स आते हैं, वो जो सैंपल्स होते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री का है तो उस सैंपल्स में ऑलरेडी लिखा रहेगा फैक्ट्री सैंपल है ये, या तो मार्केट से वो प्रोडक्ट उठाया तो मार्केट सैंपल आ गया,
नाउ जो आपका BIS का जो स्टैंडर्ड होता है, इंडियन स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें वो टेस्ट को परफॉर्म करवाना होता है। जो आपके सबऑर्डिनेट होंगे आप उनको जो जॉब कार्ड बना के दे देना है कि इस साइज का स्पेसिमेन चाहिए हमें, ठीक है, और वो टेंसाइल टेस्ट वगैरह करके एक ग्राफ आ जाता है, उसमें आप रीडिंग वगैरह नोट करके, मतलब जैसा इंडियन स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है उस तरीके से उसको टेस्ट को परफॉर्म करवाना है, और जितने पैरामीटर्स हैं उन सभी पे वो पास हो रहा है तो उसको सैंपल को पास हो जाता है। आप उससे साइन करेंगे वहाँ पे, ठीक है, देन आपका जो बॉस है वो साइन करेगा, वो आपका सैंपल कंप्लीट हो गया, फिर वो जो एक लिम्स पोर्टल होता है उस पर उसको अपलोड करना होता है। तो ठीक है, टेक्निकल काम है पूरा, ज़्यादा आपको इतना भी नहीं लगेगा कि बहुत वर्कलोड है, बाकी सेक्शन वाइज डिवाइड हो जाओगे उसके अंदर जाने के बाद भी, जैसे मेटल सेक्शन होता है, देन टॉय सेक्शन, प्लाईवुड सेक्शन, हेलमेट, फुटवेयर, तो ये आपके एक दो दो साल में चेंज होते रहते हैं ये सेक्शंस, ठीक है। मैकेनिकल का हो गया, बाकी केमिकल वाले ये फूड वगैरह, ये जो वाटर्स वगैरह होते हैं केमिकल पे, इनके सैंपल्स आते हैं और काम करते हैं उस पर। बाकी जो गोल्ड वगैरह से रिलेटेड है वो RAL का लैब होता है, उसके अंदर भी आप भी जा सकते हैं, केमिकल वाले भी जाते हैं। बात करूँ ये तो आप हो गया वर्क प्रोफाइल, ठीक है, मतलब आपको वही है एक मंथ में मोर और लेस 20 से 25 सैंपल्स परफॉर्म कर देना है, या तो 25-30 भी कर सकते हो, ज़्यादा भी हो सकता है अगर वो कोई बंदा एकदम बढ़िया से करे तो, बट रिलैक्स मोड में 25 तो आराम से हो जाएगा। बाकी हो गया केमिकल का, आपका मैंने बता दिया, अब मैं बताता हूँ पोस्टिंग। अब देखो पोस्टिंग का क्या है फंडा, जैसे आप हो गए सिलेक्ट, ठीक है, जो आप सिलेक्शन के बाद जब जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब हो जाएगा, देन इंडक्शन प्रोग्राम होता है 5 या 10 डेज़ का, हमारे टाइम पे सिर्फ 5 डेज़ हुआ था बट 10 डेज़ का वैसे होता है। उसके बाद इन 10 डेज़ के बाद जब आपका लास्ट डे होगा ट्रेनिंग का, ये ट्रेनिंग जो होता है NITS में होता है, ठीक है, जो कि नोएडा में है ये, ठीक है, वहीं पर आपको रहने वहने का सब कुछ मिल जाएगा, खाना वगैरह बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद जब पोस्टिंग का टाइम आएगा तो लास्ट डे के अराउंड में, देखो ये इतने सारे इनके लैब है, जैसे दिल्ली में, यानी जहाँ वैशाली है, वैशाली मेट्रो के पास है, साहिबाबाद पड़ता है, ठीक है, गाज़ियाबाद के बॉर्डर पे ही है ये, यहाँ पे इसका लैब है, और जितने भी लैब्स है मोस्ट ऑफ द लैब नियर टू मेट्रो सिटीज़, तो उसका टेंशन नहीं लेना, काफ़ी अच्छी जगह ही रहता है इनका, मोहाली चंडीगढ़ के दूसरा लैब, देन कोलकाता, फिर उसके बाद पटना में है, बेंगलुरु में है, मुंबई में है एंड चेन्नई में है, एंड कुछ जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में भी है, बट वहाँ पे लेस चांसेस है जाने के, उधर कोई जाता नहीं है, मतलब भेजते नहीं, उधर रिक्वायरमेंट कम ही रहता है, और वो लैब नहीं है, वो एक अलग से सेंटर है। ऐसे हैदराबाद में भी ये भी इसका लैब नहीं है, उधर से RAL वगैरह का कुछ छोटा सा लैब या प्रोजेक्ट मान लो जो भी है। हाँ, तो अब देखो जो पोस्टिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे दो बंदे हैं, ठीक है, एक कोलकाता का है और एक बिहार का है, अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कोलकाता में जो है सीट वैकेंट है तो प्रेफरेंस इसी को मिलेगा, बिहार वाले का अगर पटना में नहीं है, ठीक है, दिल्ली में है, तो इस बंदे को दिल्ली मिल जाएगा, ओके। बाकी कुछ कंडीशन ऐसा होता है, जैसे दिल्ली का बंदा होगा तो दिल्ली, जैसे फरीदाबाद का हो, कोई हरियाणा में पढ़ता हो, तो उसको भी कोशिश करते हैं कि यही दिल्ली देने का, मतलब जो जहाँ का नियर बाई होता है वहीं का, बट अगर वो लैब का रिक्वायरमेंट हो तो, जैसे कि आप सीट, मैंने मान लिया कि दिल्ली में सिर्फ 4 वैकेंट पोस्ट है, तो आप हो गए सेलेक्ट 10 बंदे, ठीक है, 4 उनको दिल्ली के नियर बाई मिल गए तो उनको मिल जाएगा, बाकी के जो होंगे वो लक बेस्ड है, या तो उसको मोहाली दिया जाएगा, या तो और नॉर्थ में कहीं एकदम वर्स्ट कंडीशन होगा तो वो चेन्नई वगैरह में उसकी, चाहे बेंगलुरु में, ठीक है, इधर जाने के चांसेस होते हैं। और बाकी बताऊं आगे कुछ है तो, जैसे प्रमोशन की बात करूं मैं, देखो प्रमोशन क्या है, पहले आप टेक्निकल असिस्टेंट यानी लेवल 6 पे भर्ती होंगे, उसके बाद आप 5 साल के अंदर एलिजिबल हो जाएंगे लेबोरेटरी ऑफिसर पे, ठीक है, जो कि लेवल 7 रहेगा, और इसके बाद BIS में कोई प्रमोशन का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है, बट जो इनका यूनियन मेंबर है उन्होंने बहुत सारे पोस्ट डाले हैं, बहुत सारा लेटर लिखा है, तो
आगे जो प्रमोशन पे बात अभी तक नहीं आया है बट वो शायद हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि आपको 5 साल हो गए, फिर आफ्टर 5 ईयर्स आप एलिजिबल हो जाएंगे साइंटिस्ट कैडर में BC, मतलब साइंटिस्ट सी तक का उसमें प्रावधान बोला जा रहा है, मतलब लेवल 11-12 तक। और उसके और अभी जो है जैसे अभी कंडीशन है, जिस बंदे पे बीटेक रहेगा तो वो 10 साल में, जैसे 5 साल इधर हो गया फिर 5 साल या 10 साल में एलिजिबल हो जाएगा वो इंटरनल वैकेंसी, जो लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ना डिपार्टमेंट में, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएगा, वहाँ पे उसके थ्रू आप बन सकते हैं। बाकी अगर मैं अभी अगर आप भर्ती होंगे तो आपके कहीं पे भी पोस्टिंग हो 60K के अराउंड आराम से मिलेगा इन हैंड, ठीक है। इसके साथ हर 4 साल में आपको अप टू 1 लाख तक का, 1 लाख तक का लैपटॉप मिलेगा, ठीक है, और हर 3 साल में हैंडबैग मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, बाकी कुछ ऑनरेबल क्या नाम है आपके कुछ पैसे मिल जाते हैं अलग से, जैसे कि आपके लैब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो तो उस महीने 3-3 या 4-4 हज़ार रुपये अकाउंट में सबके एक्स्ट्रा आते हैं। और इंटरनल बात करूं तो आपको कूपन भी मिल दिया जाएगा, जैसे लंच वगैरह के लिए आई थिंक 300-400 तक का कूपन होता है वो, और जो आपका लंच का जो अमाउंट होता है बहुत ही मिनिमल होता है, 20 रुपीज़ तक में आपको लंच मिल जाता है ठीक ठाक, ठीक है। बाकी आपका जितना भी इस पर डाउट था मैंने ट्राई किया है सबको कवर करने का, ठीक है। और हाँ, आखिरी चीज़ अगर मैं बताऊँ ट्रांसफ़र का, तो ट्रांसफ़र मोर और लेस कम ही होता है, बट अगर आपको म्यूचुअल कोई मिलेगा तो 2 साल के अंदर या 2 साल के बाद आप करवा सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ ये भी है कि जैसे अब ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी आया था जब हम इसमें मतलब भर्ती हुए थे जस्ट उसके 2-3 महीने बाद, तो उसमें ये था कि जैसे किसी का प्रमोशन हो जाएगा, LO तक में प्रमोशन हो गया और उसका 9 साल तक का या 9 या 10 साल तक का सर्विस हो गया, देन वो एलिजिबल हो जाएगा ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। तो उसको उसमें भी आपको लेकिन प्रेफरेंस मिलेगा, 1, 2, 3 करके आप उसमें डाल सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे वैकेंट रहेगा तो आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। जैसे अभी सेंट्रल लैब में मोस्ट ऑफ द बंदे और नज़दीक ही पहुँच गए हैं घर के, एक मोहाली का था तो वो मोहाली चला गया, देन एक पटना से था तो वो कोलकाता भेज दिया गया, देन एक UP का था वो भी पटना में पहुँचा, और एक जो सीनियर टेक्नीशियन था आई थिंक तो उसको हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिल गया, दिल्ली में ही है ये भी ITO के पास। ओके, होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जितना आप कर सकते हैं शेयर करें, पूरा मैंने बता दिया है इसमें, और जो भी नए आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।